आज सरकंडा चौक पर चला जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा। एक लड़की की रोने धोने की आवाज सुनकर लोगों की भीड़ जमा हो गई। वो लड़की एक घर की तरफ इशारा करते हुए एक लड़के पर गंभीर आरोप लगा रही थी। एक शादीशुदा लड़की की आप बीती आप खुद सुन लीजिए। क्या हुआ? बलात्कार किया है। कौन? दीपक कुमार। कहाँ का रहने वाला है? सरकंडा चौक गुड्डा। कब की बात है ये? ये बात शादी मेरा हो गया था, हाँ। शनिवार को 27 तारीख को। बलात्कार रूम पे किया है, तारीख नहीं आता, इधरे किया है बलात्कार। हाँ। तो आज आज हम अपने ड्यूटी पे आए हैं सर, हाँ। ऑफिस आए हैं भाई। हम बोला मेरा हस्बैंड भी साथ में लाए, बोला चलो लड़का को दिखा, गोली मारेंगे। बोले अभी नहीं गोली मारना, बोले 10 लोग को जनाएंगे यार तब ना। वो बोला की तुमको छोड़ देंगे। अब बोला क्या करेंगे। क्या नाम है? सिकंदरपुर। कहाँ ड्यूटी करती हो? ड्यूटी बौसी में करते हैं, यहाँ मेरा ऑफिस है सर। कौन ऑफिस? गकुल बिहार मीरा भवन अस्पताल। कहाँ मुलाकात हुई थी इससे तुमको? दीदी घर में। कौन है ये? रिलेशन में है जी। कौन लगता है? मेरा दीदी का मम्मी ससुर आए, सुरेश चौधरी ना है, दीपक चौधरी। दीपक चौधरी जी, दुमका में पढ़ता है बेटी में। सुरेश चौधरी कौन है? सुरेश चौधरी कौन है? मेरा दीदी का मम्मी ससुर है अपना। और एक मम्मी ससुर है। सुरेश चौधरी लड़का का कौन लगता है? सुरेश चौधरी लड़का का पप्पा है। इस बात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लड़की को अपने साथ पूछताछ के लिए थाना ले गई। हालांकि लड़की द्वारा लगाए गए आरोप काफी गंभीर हैं, लेकिन ये एक जांच का विषय है। प्रशासन को इस विषय के हर पहलू पर गंभीरता से जांच की आवश्यकता है। फिलहाल आरोपी लड़के के घर वाले इस हो हंगामे के बाद घर में ताला लगाकर कहीं फरार हो गए।